हेलो, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पर, जिसमें अभी आप सुबह की क्लास ले रहे हैं। आपको शेड्यूल तो पर आप मालूम है, जीएस सुबह 6 बजे लाइव मिलता है आपको हिंदी। जिसको नहीं पता है एक बार देख लें, अपने फ़ोन में अलार्म लगा लें सुबह 6 बजे का, क्योंकि 6 बजे की क्लास जो जीएस की क्लास होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस पूरा पहले से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और सिलेबस में जो जीएस की वैल्यू है वो डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में आ जाता है, क्योंकि जीएस इतना डीप रूटेड आता है, क्योंकि हमें ओवरऑल फॉर्मूले से मतलब नहीं होता है, हमें पूरा डीपली कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अगर हम पूरा जीएस, और सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो हमें जीएस पूरा डीप रूटेड तरीके से यहाँ पे समझना होगा। हिंदी की क्लास सुबह 7 बजे और मैथ्स की क्लास सुबह 8 बजे यहाँ पे चल रही है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? नंबर सिस्टम में यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, यानी वर्गीकरण पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने विभाजिता के नियम पढ़ लिए हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक होता है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। इंग्लिश में अगर हम बताएं तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इस चीज को आज हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। रिकरिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव को पूरा अच्छे समझेंगे, कौन से परिमेय होते हैं, कौन से अपरिमेय होते हैं उनको देखेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को यहां पे करेंगे। ठीक, चलिए एक बार फिर से बता दूं, 9121815869, दिस इज द व्हाट्सएप, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऑफ सिलेक्शन मेंटर। सो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द पीडीएफ अपडेट्स एंड व्हाट्सएप लाइव क्लासेस लिंक, राइट। तो यहां पे देखिए, आवर्त दशमलव और रिकरिंग डेसिमल अगर आप इंग्लिश में देखें या हिंदी में देखें, तो नाम से समझ में आ रहा है कि वो जो दशमलव है, दशमलव आपने देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं, यहां देखते हैं, सपोज हमने लिखा 3.5, तो ये एक दशमलव वाला नंबर है, पर इसके भी अलग अलग टाइप के दशमलव होते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम ऊपर लिखते हैं पहले दशमलव। आज हम दशमलव को देखेंगे क्या होता है। दशमलव यानी कि यहां पे दशमलव को अगर हम ब्रेक करें तो दो तरह के दशमलव निकल के आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा टर्मिनेटिंग, एक तो आएगा टर्मिनेटिंग, एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है हिंदी में मतलब, देखिए मैं आपको समझाता हूं एक बार। क्या आएगा, पेन चेंज करते हैं। देखिए, दशमलव दो तरह से होंगे, या तो वो दशमलव रुक जाएगा या वो दशमलव नहीं रुकेगा। समझ में आ रही है बात? रुकने वाला कौन सा है? जैसे मैंने लिखा 3.5, तो क्या ये रुक गया? 5 रुक गया। हमने लिखा 0.592, क्या ये 592 के बाद और डिजिट्स आ रही हैं? बिल्कुल भी नहीं आ रही, यानी कि ये टर्मिनेटिंग यानी रुकने वाला डेसिमल है। ये जो हम पढ़ते हैं दशमलव, ये वही वाला दशमलव है। लेकिन एक और दशमलव निकल के आता है जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा मतलब मैंने लिखा 2.35982 डॉट 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 डॉट, मतलब जो नंबर्स हैं वो बार बार आए जा रहे हैं आगे, वो रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे, ऐसे दशमलव वाले नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये भी दो तरह के होते हैं, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर आगे हम समझ में आएगा कि हमें क्या एक्चुअली इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक, तो ये जो बार बार रिपीट करते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, दो तरह से बोल देंगे। एक तो आएगा आपका कि जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आगे रिपीट नहीं करते हैं, और एक आएगा जो रिपीट करते हैं अपने आप को। जैसे मतलब एक आएगा आवर्त जो हमें पढ़ना है, यानी कि रिपीट डेसिमल दशमलव, ठीक है, और एक आएगा नॉन रिपीट। भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में देखेंगे, भावनाओं को समझो यहाँ पे, कि जो रिपीट करेगा। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 2.3333, क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है? बिल्कुल, ये जो 3 है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए डॉट 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 जा रहा है आगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, 3.3 के ऊपर बार, यानी हमने उसको बांध दिया, बार लगा दिया। इसलिए इसका नाम क्या आया, रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव, जो बार बार रिपीट करता है। और नॉन रिपीट तो वही हो गया आपका जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया, या कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 3.14592 डॉट डॉट डॉट, यानी जो रिपीट करते जा रहा है हमें, मतलब जो आगे आता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन वो रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। ठीक,
एग्जाम्पल के तौर पे आगे लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.5 के ऊपर बार, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 0.5555 डॉट 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 आगे बढ़ता जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है, मैंने आपको समझाया था कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। ये नंबर 0.5 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार, यहां पे परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस नंबर को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमने बोला लिख सकते हैं भाई, p बटे q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, बट कैसे लिख सकते हैं अब इस बात को समझेंगे। देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो 0.5 के ऊपर बार को हम लिखेंगे 5/9। क्या लिखेंगे? 5/9। कैसे लिखा ये भी हम ट्रिक, ये तो अभी एक तरह से कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिक हो गई कि भाई 5 के ऊपर बार अगर लिखा है तो 5/9 लिख दोगे। अगर लिखा है 0.62 के ऊपर बार, तो इसका मतलब होता है 0.62 ये रिपीट होता रहेगा। और इसको अगर मैं पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये बनेगा 62/99। इतनी बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं 0.932, तीनों के ऊपर बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 932/999। मतलब जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। ये एक ट्रिक हो गई यहाँ पे। जितने लोगों को नहीं पता है इस चीज को देख लें, ये एक यहाँ पे ट्रिक हो गई है। जल्दी से अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बन के आ गया। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, जैसे पूछ लेगा कि 0.732, तीनों के ऊपर बार लगा दिया। अब मुझे कमेंट बताओ कि भैया इसका क्या होगा p बटे q के फॉर्म में, तो आप कहेंगे 732/999। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत आसान सी चीज हो गई। अब मैं यहां पे पूछूंगा ये ऐसे क्यों आया, ये क्यों आया? क्यों वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है जानना। चलिए जानते हैं इसको क्यों आया। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं 0.6 के ऊपर बार लिखा हुआ है, या हम लिखें 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक, डैश 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 आगे लगा दिया हमने। हम मान लिया इसको x बराबर कितना है, ये 0.6666 और डैश 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 आगे जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब दोनों तरफ, ये इक्वेशन नंबर एक हो गई है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 10x हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब आप कहोगे ये कितने 6 लगेंगे यहाँ पे, ये तो इनफाइनाइट तक है ना आगे, तो 1/6 अगर यहाँ भी चला गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, आगे कितने भी डैश डैश आ रहे हैं उतने रहेंगे। ऐसा क्यों किया है हमने 10 से दोनों तरफ गुणा? क्योंकि हमें ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज है इसे हटाना है। हटेगा कैसे? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक, अब आप लिखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 में से जब 1 घटाओगे तो 10x में से x गया कितने बचे, ऐसे लिख लो 10x माइनस x बराबर 6.666 है ना इक्वेशन 2 में, और माइनस 0.666 डेड डैशेस। तो 6.666 में से 0.666 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब 10x माइनस x में से जब घटेगा तो ये बचेगा 9x। अब ये 9 नीचे चला जाएगा तो x बराबर बन गया 6/9। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतना ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दें आप वीडियो को, थम्स अप कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये आपको किसी वीडियो में या फिर ऐसे बुक्स में नहीं मिलेगा इतना एक्सप्लेनेशन के तौर पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक, ये क्यों का जवाब था कि ऐसे क्यों होता है। ठीक, चलिए, इतना तो आपको पता है कि 0.6 नजर आया तो आप लिखोगे 6/9। चलिए, अब सबसे आगे की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि भाई 0.53 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, अगला सवाल क्या आया 0.53 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, अब आपको बताना है कि इसका p/q की फॉर्म में क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो इसका मैं एक तरह से ट्रिकी फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको पहले, फिर आगे देखेंगे कि इसको डिटेल वे में समझना हो तो समझ लेंगे। 0.53 के ऊपर बार हमने यहाँ पे लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका आंसर आएगा, आप लिखोगे 53। क्या लिखा आपने? 53/, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दो इसमें से, और नीचे क्या आएगा,
भाई जिसके ऊपर बार होता है उतने हम क्या लगाते थे, आप कहेंगे उतने हम नाइन लगाते थे, भाई ऐसे तो करते थे। अब जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लगा दोगे आप, ठीक है? नहीं समझ में आया तो एक बार एक एग्जांपल लेके और करते हैं। सवाल है 0.932, इतनी बात समझ में आएगी? 0.932 इसको करेंगे तो पहले लिख दो पूरा पूरा नंबर 932, ठीक है? उसके बाद माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, ये आ गया। अब नीचे कितने नाइन आएंगे, जितनों के ऊपर बार है, डबल नाइन आ गया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लगा दो, बात समझ में आ गई? 932 में से 9 गया, 923 बचा, अपॉन में नीचे 990 आया। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो एक बार फिर से। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ में आएगा बिल्कुल। मैंने लिखा 0.532 के ऊपर बार, यानी इसको ऐसे लिखा होगा ये 0.532 2 2 2 2, समझ में आया? तो इसको शॉर्ट करके ऐसे लिख दिया 0.53 और फिर 2 के ऊपर बार लगा दिया। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 532 माइनस, जितनों के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दो, अपॉन जितनों के ऊपर बार है उतने नाइन लगाएंगे और जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लगाएंगे। इस चीज को आप कॉपी में जल्दी से नोट कर लो ट्रिक बना के, कि इस तरीके से ये होता है, ठीक है? आप इसको माइनस कर लोगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पे पेन में प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट, ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, उसको गौर फरमाइए, उस चीज को भी देखेंगे। क्वेश्चन पहले आपके सामने लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है 3.12 के ऊपर बार प्लस 4.68 के ऊपर बार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आने वाली है। अभी अगला है 5.11 के ऊपर बार। क्या लिखा, ये क्वेश्चन है कि तीनों नंबर्स को आपको जोड़ के और आंसर बताना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके सामने, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कितना आएगा। मैं यहां पे वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, कि एक ऑप्शन है 12.91, अगला है 13.91 के ऊपर बार, अगला है 13.12 के ऊपर बार, अगला है 12.19 के ऊपर बार। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो। मैं शुरू करता हूँ करना जल्दी से, पहले आप लोग भी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एग्जाम में, बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस करना। रिकरिंग डेसिमल को समझेंगे हम लोग, ठीक? देखिए ये तीन तो ऐसे लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे हमने डैश लगाया, ऊपर 12 लिखो और नीचे क्या आएगा, 2 बार 9 आएगा। भाई तीन तो एक्स्ट्रा है ना, पूर्ण संख्या है ना एक, ठीक है? 3 12/99 प्लस, इधर 4 आ गया 68/99 प्लस 5 11/99, इतनी बात आपको समझ में आ गई है? जल्दी से बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? देखिए जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी होती है ना, 3 2/3 कह लो या कुछ भी कह लो, तो इन दोनों के बीच में एक प्लस का निशान होता है, कि 3 तो पूरा पूरा है और 2/3 उसके अलग है, ऐसे तो होता है ना। मैं कहता हूँ ढाई, ढाई मतलब 2 और आधा, तो 2 भी है और आधा भी है भाई, यही तो है। तो हम इनके बीच में प्लस लगा सकते हैं, ये एक नियम है। मैं सरलीकरण जब कराऊंगा फ्रैक्शन वाले, तो मैं फ्रैक्शन के इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले 3 4 और 5 इन सबको जोड़ लो आप, कितना आया 3 + 4 + 5, इनको जोड़ सकते हैं ना। उसके बाद कितना आएगा, 12/99 प्लस 68/99 प्लस 11/99, ठीक? ऐसे हो गया। अब 5 4 9 और 3 12 प्लस 99 एलसीएम ले लो, इसमें 99 एलसीएम ले लो, 12 68 11 इनको ऐड करो, 8 और 10 और 11 1 6 और 1 7 और 1 8 1 हासिल 9, यानी कि कितना गया, 12 + 91/99। अभी मैंने क्या बताया था, कि जब 2 और 1/2 लिखा तो प्लस लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, यही तो बताया ना। तो आप इस प्लस को हटा दो, यानी कि ये क्या बन गया, 12 91/99। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये हमारा आंसर है।
लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। और वो कैसे, मैंने आपको सिखाया था कि 91/99, अभी नीचे 2 बार 9 है, तो क्या मैं 2 के ऊपर बार लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ भाई, यही तो इसका मतलब होता है। मैं अगर साइड में आपको पूछूँ यहाँ पे कि लिखा है 12/99, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 0.12 के ऊपर बार? बिल्कुल, तो इसका आंसर आ गया 12.91। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, थोड़ा सा इसे अपर लेवल का करेंगे क्वेश्चन। भाई क्यों अपर लेवल का? अभी तो इन्हें ऐड करके 91 आया, अभी 91 से भी ऊपर ऐड करके आएगा, तब उसमें क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके। 12.35 के ऊपर बार प्लस 6.78 के ऊपर बार प्लस 8.91 के ऊपर बार। अब ये 3 नंबर आपके सामने, आपको ऐड करना है। अब ये माइनस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके सामने, पर अभी ऐड करना है। तो यहाँ क्या आएगा, ये बन गया आपका 2 35/99 प्लस 6 78/99, आराम से समझेंगे 8 91/99, इतना हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसमें बीच में प्लस का निशान लगा सकते हैं, ठीक है? तो जब इन सबको ऐड करेंगे 8, 6 और 2, तो ये बन गया 16 प्लस, अब ये बचा आगे 35/99 प्लस 78/99 प्लस 91/99। इन तीनों चीज़ को अब ऐड करो आप, यही तो अभी तक तो सेम चल रहा है दोनों का, नीचे हो गया 99। कैसे करेंगे जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो 35, 78, 91, इनको ऐसे ही ओरली ऐड कर लो। 8 और 5 13 और 1 14 4 आ गया, 1 कैरी, 10 7 17 और 3 20, यानी कि ये या आ गया 16 204/99, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको फिर से उसी फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ, उसी रूप में लेके आना चाहता हूँ बार वाले में, तो वो कैसे होगा? पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ऊपर की संख्या 100 से बड़ी है। भाई ऊपर की संख्या तो 100 से छोटी होनी चाहिए ना, मतलब 99 से तो छोटी होनी चाहिए। कितनी बार जाएगा ये 99 जो है, ये 2 बार चला जाएगा 204 में, ऐसे ही तो उसको करते हैं। तो इसको अलग कर लो पहले आप, तो ये कितना है, 99 दूना कितने होते हैं 198, ऊपर बचेगा 6/99। फिर यहाँ बीच में प्लस लगा दो, 16 और 2 18, 18 प्लस 6/99। अब इसको देखो आप, मैंने अभी बताया था कि जब 2 बार 99 है, जब 2 बार 99 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18.06 के ऊपर बार? सोच के देखिए, जल्दी से बताइए कि 18.06 के ऊपर बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ इस बारे में, अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा, यहाँ थोड़ी जगह बनाते हैं। चलिए देखिए, एक बात बताइए छोटी सी, मैं इस फॉर्म में आपको लिख के समझा देता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 0.06 06 06 06 06 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 0.06 के ऊपर बार, क्योंकि जो दो चीज़ रिपीट कर रहे हैं उसे ही तो बांधना है डंडे से, ऊपर बार लगा के उसे ही तो बांधना है। तो 0.06 के ऊपर हमने बार लगा दिया। अब अगर मैं इसको खोलना चाहूँ अपने फॉर्म में, तो अब मैं कहूँगा 06/99, भाई यही तो मतलब था यहाँ पे। तो 6/99 को हमने 18.06 के ऊपर बार लगा दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न करते हैं आप लोगों के सामने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल बने रहें और आप ही लोग बताएंगे किसने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ अच्छे से यहाँ पे, क्वेश्चन है 4 3/5 प्लस 0.26 26 26 डैश 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 प्लस 7 1/9 प्लस 5.23 23 23 डैश डैश डैश। ये सवाल आपके सामने है, एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन रेलवे में आया था, लेकिन एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? चलिए, थोड़े से अपर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर को जब हार्ड आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन तो आपके UP SSC में आया था, जो मैंने अभी कराया ये वाला, ये थोड़ा सा उससे और ऊपर का क्वेश्चन हो गया है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या करेंगे इसमें, ये चीज़ तो समझ में आ रही है, 4 3/5 प्लस कुछ भी नहीं। इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे 0.26 के ऊपर बार। भाई 26 के दोनों के ऊपर बार है, तो 2 बार 99 आ गया प्लस
अब है 7 1/9, ठीक है, खुद को यहाँ से हटा लें, प्लस 5, देखिए 5 ऐसे ही रहेगा, अब 23 के अपॉन 99, भाई 5.23 के ऊपर ही तो बार आएगा ना, ये तो बना इसका, अब 23 के ऊपर 9 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लो, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये जितने भी फ्रैक्शन होते हैं भिन्न होती हैं, इसको हम इस तरह से बीच में प्लस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, यही तो मतलब होता है इसका। तो 4 + 7 + 5, ये आपका 4, ये आपका 7, ये आपका 5, इसको हमने अलग कर लिया, ठीक। अब क्या बचा, प्लस 3/5 प्लस 26/99 प्लस 1/9 प्लस 23/99, भाई इतना आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं, 7 और 5 7 4 11 और 5 16 16 प्लस। अब आपकी बड़ी बात ये आती है कि आपको इसका एलसीएम लेना है, वो कितना आएगा, देखिए 99 है, ये भी 99 है, ये 9 है और ये 5 है, तो 9 इन सबका जब एलसीएम लोगे तो 99 × 5 यानी कि 495 आ जाएगा आपका, 495 आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया, 495 एलसीएम आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, सबको ये आना चाहिए सॉल्व करना। अब 5 से ये कितनी बार जाएगा, 99 टाइम्स जाएगा, और 99 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 297 प्लस 99 जो है 495 से 5 बार जाएगा, और 26 × 5 = 130 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 जो है 495 कितनी बार जाएगा, 11 × 5 = 55 बार जाएगा, 55 को ऐसे लिख लो, और 99 5 बार जाएगा, 23 × 5 = 135 135। अब कितना आ गया, 16 प्लस, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ गया, 7 और 5 12 5 17 का 7, ठीक है, उसके बाद 597, ठीक है। अब ये आ गया 16 597। अब इसके आगे जल्दी से अपने आप बताएंगे, 16 597 ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 495, और इधर बच जाएगा आपका 102, तो यानी कि आंसर आ गया 16 और 1 17 17 102 अपॉन 495। जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। देखिए एक बार फिर से, ये सिंपल था, इसको हमने इस फॉर्म में बना लिया, इसको हमने इस फॉर्म में बना लिया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है इस क्वेश्चन की, वो है कि ये जो है यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन बन जाएंगी, ये थोड़ी सी क्रिटिकल बन जाएंगी, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जितनी कैलकुलेशन बढ़ेंगी सवाल में उतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बढ़ता जाता है, बस इससे ज़्यादा और भी कोई अंतर नहीं है, यही इस क्वेश्चन की खास बात थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक समझाता हूँ यहाँ पे, इसमें और क्या एक नई चीज़ बन सकती है जो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, अभी तक तो एग्ज़ाम में नहीं आया, वो है क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2.3 इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है। भाई अगर लिखा है 2.35 के ऊपर बार, तो दोनों के ऊपर है, तो मुझे समझ में आता है 235/99, इतनी बात तो समझ में आ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इतना क्लियर हो गया। अब अगर ऐसे लिखा रहे कि शुरू वाले नंबर के आगे बार लग रहा है, तो फिर कितना आएगा, तो वो आएगा कितना, इसका मतलब होता है -2.35, मतलब जो ऊपर बार लगा होगा उसका मतलब होगा कि आगे माइनस लगना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर जो बार लगा होगा उसका मतलब क्या होता है कि आगे माइनस लगा, मतलब वो संख्या निगेटिव। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ कि लिखा है 5.97 और 5 के आगे ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है माइनस का 5.97। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन लिख लेते हैं अब क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 2.35 और ये है 2 के ऊपर बार प्लस 1.33, ये है 1 के ऊपर बार, इतना समझ में आ गया। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि इसका मतलब होता है माइनस का 2.35, ठीक, और इसका मतलब होगा प्लस लगा है माइनस का 1.33, ठीक, ये हो गया माइनस का 2.35 प्लस, यानी ये माइनस हो जाएगा 1.33। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 3.68 माइनस का, अब माइनस का 3.68 है ना, तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि 3 के ऊपर बार 68, ऑप्शन कैसे दिया है, 3 के ऊपर बार और 68, 3 के ऊपर बार 68 करके ऑप्शन दिया हुआ है। जल्दी से बताइए कि कैसा लगा आपको ये सेशन,
और कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर के लिए, क्या हमने 13 के वाला क्वेश्चन कर लिया? चलिए तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। चलिए तो इसमें अभी क्या बचता है, आगे कुछ जो भी क्लासेस आपकी आएंगी ये क्लासेस को थोड़ा छोटा रख लेते हैं, आगे के दो कॉन्सेप्ट आएंगे। कल आपको कराएंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालना, उसके बाद बचेगा शेषफल निकालना, शेषफल निकालना। तो इकाई का अंक निकालने से एक नंबर का क्वेश्चन कहीं भी फंस जाता है किसी भी एग्जाम में, और शेषफल निकालने से भी एक नंबर का क्वेश्चन किसी एग्जाम में फंस जाता है। तो अभी दो टॉपिक आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलेंगे सरलीकरण। देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से दो क्वेश्चन पिछले ही साल आए थे, मतलब 2015 में जब पेपर हुआ था लेखपाल एग्जाम में दो क्वेश्चन सरलीकरण से आए थे। तो इसके कोई भी टाइप नहीं छोड़ना है हमें, ये नहीं कि उसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमें वो सारे ही टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा मैं आपको जो नंबर सिस्टम की चैप्टर वाइज PDF होगी वो मैं आपको वीडियो के मतलब आज दिन में आपको प्रोवाइड करा देंगे PDF, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए भी, मैथ्स के आपको बहुत ज़रूरी है PDF लेना, तो उन सब के लिए आपको ज़रूरी है 9121815869 व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना। और सबसे बड़ा काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियोस को। एक एक बंदा अगर दो दो बंदे को भी जोड़ेगा तब भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपसे एडिशनली एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा जा रहा है, और बस इतना ही कहना है। अच्छा एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको, ये पिछली वीडियो मैंने आपको दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेने हैं आपको, दोनों क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेने हैं और आपको बताना है कि इनके क्या क्या आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि ये संख्या इतनी है, रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा अगर ये संख्या 11 से विभाजित है। आगे है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये नंबर है, रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा अगर ये संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। ये एक वीडियो एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और दोनों के आंसर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 के कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे मैं मान के चलूंगा कि उतने लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है, जिससे जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना हमें ज़्यादा पता लगेगा कि कितने लोग हमें लास्ट तक देख रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, कि हमें फिर और ज़्यादा मेहनत करके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के और बड़े बड़े सेशन और बहुत अच्छे से आगे प्रिपरेशन को आगे करेंगे, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।